गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 18। सेक्शन 18 डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ स्पेशल प्रोविजन जहां हमें आईटीसी लेना अलाउड है, अवेलेबल है, उन स्पेशल प्रोविजन की बात करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया क्लास में, वो डिस्कस किया था सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन टू टेक आईटीसी, सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट, एंड सेक्शन 17 हमने बात किया था अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट फॉर कॉमन आईटीसी यूज्ड फॉर एग्जम्प्टेड नॉन एग्जम्प्टेड बिजनेस नॉन बिजनेस पर्पसेस। सेक्शन 18 में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिस केस में आपको कुछ स्पेशल जगह पे स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं आईटीसी लेने की। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, बर्ड आई व्यू दे रहा हूं ताकि आपको सेक्शन 18 समझ में आ जाए। मैंने कहा जी मैंने एक नया रजिस्ट्रेशन लिया, न्यू रजिस्ट्रेशन लिया, और न्यू रजिस्ट्रेशन लिया मैंने इस डेट से मैं लाइबल हुआ सेक्शन 22 में या सेक्शन 24 में, और मुझे जीएसटी नंबर ग्रांट हुआ इस डेट पे, तो मैं लाइबल हुआ इस डेट से। तो जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, इससे पहले जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ, क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा था पहले से, तो जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है इस डेट पे, इस डेट पे आपको आईटीसी स्टॉक पे कैसे मिलेगा जब आप जीएसटी लाइबल हुए थे उससे पहले वाली डेट पे जो स्टॉक पड़ा हुआ था उस पे आपको आईटीसी कैसे मिलेगा। सेक्शन 16 अगर आप पढ़ोगे, सेक्शन 16 में इस तरह की सिचुएशन कवर नहीं थी, वो तो बात कर रहे थे सारी की सारी, सेक्शन 16 बात कर रहा था आपकी सारी फ्रेश परचेज की, जो परचेज आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद करी है उसकी बात सेक्शन 16 कर रहा था। सेक्शन 16 ने कहीं भी ये नहीं बोला था जी पुराने स्टॉक का भी आईटीसी देंगे, पुराने स्टॉक के आईटीसी आपको मिलेगा, इस तरह की बात सेक्शन 16 नहीं बोली। सेक्शन 16 बोलता है जी आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपकी रिटर्न फाइल होनी चाहिए, आपका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कहीं भी पुराने स्टॉक की बात सेक्शन 16 ने नहीं करी थी। सेक्शन 18 इस तरह की सिचुएशन को कवर करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपने कोई बिजनेस शुरू किया यहां से यहां तक, और इस टाइम पे आप लाइबल हो गए सेक्शन 22 से 24 में, और आपने जीएसटी नंबर ले लिया और यहां आपको जीएसटी नंबर ग्रांट हो गया, तो जो इस डेट पे आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, उस क्लोजिंग स्टॉक पे जो आपने जीएसटी पे किया हुआ है, उस जीएसटी का भी हम आपको बेनिफिट देना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टॉक आप बिजनेस में लेके आ रहे हो उसका यूज करके आप फ्यूचर में टैक्स जनरेट करोगे। जो आईटीसी, जो स्टॉक आप अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लेके आ रहे हो, उस स्टॉक का यूज करके आप हमें टैक्सेबल सप्लाई करके जीएसटी जनरेट करोगे, तो हम आपको इस स्टॉक के ऊपर आईटीसी देने से वंचित कैसे कर दें। जब आप हमारा स्टॉक लाकर बिजनेस में लाके हमारा जीएसटी जनरेट कर रहे हो, तो हम भी आपको पूरी ईमानदारी से इसके ऊपर आईटीसी देंगे। ये सिचुएशन कवर करता है सेक्शन 18, 16 ये कवर नहीं कर रहा था, इसलिए 18 को कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने पड़े। और क्या मैटर है सर इसके अंदर, और इसके अंदर ये मैटर है, मान लो कोई कंपोजिट डीलर है, कंपोजिट डीलर किसी कारण से नॉर्मल डीलर में कन्वर्ट हो रहे है, और उसके पास इस कन्वर्जन वाली डेट पे जो कन्वर्ट हो रहा है उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। अभी यहां पे वो आईटीसी नहीं ले पा रहा था क्योंकि सेक्शन 10 ने उसको मना किया था कि आप कंपोजिट डीलर हो, आपको आईटीसी का बेनिफिट हम नहीं देंगे। तो जब वो अपना स्टॉक कन्वर्ट कर रहा है नॉर्मल स्कीम में, और आप नॉर्मल स्कीम में आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट को कन्वर्ट करके देने वाले हो, गवर्नमेंट ने बोला इसका भी अब आपको आईटीसी सेक्शन 18 के हिसाब से मिल जाएगा, क्योंकि स्टॉक जो आप कन्वर्ट करके लाए हो इससे आप स्टॉक से जो सेल करोगे वो टैक्सेबल सेल होगी और आपको जीएसटी मिलना चाहिए। ये सिचुएशन भी सेक्शन 16 में कवर नहीं है, सिचुएशन भी सेक्शन 18 में कवर है। और क्या सिचुएशन है सर इसके अलावा, और सुनो सिचुएशन, आप सप्लाई कर रहे थे एग्जम्प्ट सप्लाई, और एक नोटिफिकेशन आई और एग्जम्प्ट सप्लाई आपकी टैक्सेबल सप्लाई कन्वर्ट में कन्वर्ट हो गई किसी नोटिफिकेशन के द्वारा, उस
आइटम का रेट टैक्सेबल हो गया है, तो आपने क्या करा, जितना भी स्टॉक पड़ा था यहाँ पे, इस स्टॉक को आप ले गए टैक्सेबल वाली सप्लाई के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला जब ये अमेंडमेंट आई है, जब ये आइटम टैक्सेबल हो गई है, उस डेट पे जो आपको स्टॉक पड़ा था, उस डेट पे जो आपको स्टॉक पड़ा था, उसका भी हम आपको आईटीसी देंगे, क्योंकि फ्यूचर में आप हमारे लिए टैक्सेबल सप्लाई करने वाले हो और आप हमारे लिए जीएसटी कलेक्ट करने वाले हो, हम आपको स्टॉक पे आईटीसी सेक्शन 18 में देंगे। 16 में इस तरह की बात नहीं की हुई थी। मैंने कहा जी और देखते हैं सिचुएशन क्या है, लेट क्रिएट्स अनदर सिचुएशन। तो ये हो गई हमारी तीन सिचुएशन। मैंने कहा जी एक कंपनी है ए बी सी लिमिटेड, उस ए बी सी लिमिटेड में दो कंपनी बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के अंदर ये मर्ज हो गई हैं, समा गई हैं, या फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं बोलता हूँ कि ए बी सी लिमिटेड का डी मर्जर हो गया है और एक नई कंपनी बनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये एक नई कंपनी है, ये इसका पेन अलग है, इसका पेन अलग है, पेन अलग होने की वजह से इनको जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जब नया रजिस्ट्रेशन लेंगे ये, तो इनके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा होगा और आईटीसी पड़ा होगा आईटीसी लेजर में। तो सेक्शन 16 इस तरह के आईटीसी को इसको लेना अलाउ नहीं करता, सेक्शन 16 में ऐसी बात नहीं दी हुई। 18 में बोला है जी आप नई कंपनी हो, आपने सारी असेट टेक ओवर कर ली है, तो असेट टेक ओवर कर ले तो आप आईटीसी भी जो पड़ा हुआ है, जो पुराना आईटीसी पड़ा हुआ है, इसको भी आप ले सकते हो, इसको आप लेने की पावर रखते हो। तो इस तरह की बात भी सेक्शन 16 ने कवर नहीं करी थी, सेक्शन 18 ने ये बात कवर कर दी कि अगर आप कोई कंपनी कन्वर्ट कर रहे हो, डी मर्जर मर्जर कर रहे हो, तो इस नई कंपनी को यहां पड़ा हुआ आईटीसी, जो बैलेंस पड़ा हुआ था आपका आईटीसी लेजर में, यहां शिफ्ट होके आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की बात हमारी सेक्शन 18 में कवर हुई है। तो ये बातें हैं, एक हम बात पढ़ेंगे कि अगर हमने कोई कैपिटल गुड्स बेचा है, कैपिटल गुड्स को सेल कर दिया है हमने, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये बात भी सेक्शन 16 में नहीं दी हुई थी, सेक्शन 18 ने इसको टेक ओवर किया कि अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स बेचा है तो उस पर आप जीएसटी कितना लगाओगे, या जीएसटी लगाओगे या आईटीसी रिवर्स करोगे, ये बात भी सेक्शन 18 ने टेक ओवर टेकअप की हुई है। तो ये सारी बातें हैं जो कि स्पेशल प्रोविजन है, जहां पे सेक्शन 16 साइलेंट था, कुछ चुप था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, हमने सेक्शन 18 का सहारा लिया कि हम नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो पुराने स्टॉक पे आईटीसी देंगे आपको, हम कंपोजिशन स्कीम से नई स्कीम में आ रहे हैं, हम आपको स्टॉक पे आईटीसी देंगे, हम एग्जाम सप्लाई करते थे अब टैक्सेबल कर रहे हैं, हम आपको स्टॉक पे जो कन्वर्ट होके आया है उस पे आईटीसी देंगे, हम मर्जर डी मर्जर कर रहे हैं, हम आपको आईटीसी लेजर बैलेंस जो है एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे नई कंपनी को, हम कैपिटल गुड्स को बेच रहे हैं, हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये सारी बातें सेक्शन 18 में समझाई हुई है। आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 16 में ये बातें क्लियर नहीं थी, इसीलिए सेक्शन 18 बनाया गया, और ये स्पेशल प्रोविजन हर जगह नहीं लगते हैं। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली आपके एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकली आपके एग्जाम के लिए अभी तक तो इंस्टीट्यूट ने इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे हैं इंटर लेवल पे या आईपीसीसी लेवल पे, और मैंने एनालाइज किया आपके एग्जाम को, जैसे मैं एनालाइज करता हूं बड़ा डीपली, तो एग्जाम आपका जो पास एग्जामिनेशन है आपके आरटीपी के अंदर भी कोई खास क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, फिर भी हम करा रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है जी सेक्शन आपके कोर्स का पार्ट है, हम करवा रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक बार रीडिंग लगा के, दो बार रीडिंग लगा के छोड़ देना है, आपको माइंड में सेट हो जाएगा हम कर क्या रहे हैं, रीडिंग लगा के छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात आपको मैं इसलिए बोलता हूं कि कुछ स्टूडेंट के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जिनके एग्जाम बहुत पास में आ रहे हैं और उनकी प्रायोरिटीज कुछ अलग हैं, तो वो उसी चीज पे ध्यान दें जहां पे मार्क्स ज्यादा मिलने हैं, वहां पे ज्यादा ध्यान दें, जिस पे मार्क्स थोड़े कम मिलने हैं, बहुत चांस कम है, उस पे ध्यान दें, मैंने कह रहा ध्यान ना ध्यान दें बट इतना ध्यान दें कि बाकी चीजें ना छूट जाएं। तो ये सारे केस हैं जो हम सेक्शन 18 में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सेक्शन 16, 17, 18 के कंबाइंड क्वेश्चन जो हमारे नोट्स में बुक्स में दिए हुए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट डिस्कस सेक्शन 18, क्रेडिट इन स्पेशल केसेस। कह रहे
सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। आईटीसी कैसे मिलेगा ये हम आपको सिखा रहे हैं कि आईटीसी कैसे मिलेगा, ये हम आपको यहां पे सिखा रहे हैं। आईटीसी आपको कैसे मिलेगा, तो इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन आप लेते हो, आपने कहा जी मैं बिजनेस पहले से कर रहा था, ये मेरा बिजनेस है जब मैं अनरजिस्टर्ड था, यूआरपी था, अब मैंने अपना बिजनेस, मेरा बिजनेस चल रहा है, स्टार्टिंग से चल रहा है, बट यहां आके मैं क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया हूं, तो मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, अब स्टॉक कौन सी डेट को पड़ा हुआ है जी, देखते हैं, He shall be granted ITC on input. Point to be noted. इस वाले केस में क्योंकि आप नए रजिस्ट्रेशन में आए हो, हम आपको कैपिटल गुड्स का ITC नहीं देंगे, कैपिटल गुड्स का ITC आपको हम नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ इनपुट का ITC देंगे। और आपको पता है इनपुट का ही ITC होता है, कभी भी इनपुट सर्विस का स्टॉक नहीं होता, हम कभी इनपुट सर्विस के ITC को स्टॉक नहीं कर सकते, सिर्फ इनपुट का ही ITC देंगे, ना तो इनपुट सर्विस का होगा ना इनपुट कैपिटल गुड्स का होगा, सिर्फ इनपुट का ITC आपको देंगे। और कौन सी डेट को देंगे, हम कह रहे जी इस डेट पे जब आप लायबल हुए हो उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उसका आपको ITC देंगे। मतलब हम कह रहे जी हमने आपको एक दिन पहले जो स्टॉक पड़ा था, आपके जीएसटी लायबल होने के एक दिन पहले हम आपको जितना भी आपका स्टॉक पड़ा हुआ है इनपुट का, ओनली इनपुट का, उसका हम आपको पूरा का पूरा आईटीसी आपको दे देंगे। इसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हमारे पास टैक्स इनवॉइस तो होंगे नहीं, क्योंकि इस पीरियड के टैक्स इनवॉइस जो होंगे उस पर हमारा जीएसटी नंबर तो मेंशन होगा नहीं, उस पर हमारी डिटेल तो मेंशन होगा, क्योंकि जो सप्लायर जिससे हमने गुड्स खरीदा होगा इस दौरान में उसने तो हमारे को नॉर्मल इनवॉइस दिया होगा, बट हाँ उसने जीएसटी लगाया होगा। तो इसके लिए हम एक डिक्लेरेशन देते हैं, एक डिक्लेरेशन फाइल करते हैं जिसका नाम है आईटीसी, आईटीसी 01 नाम का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में हम कहते हैं जी इतना स्टॉक हमारा पड़ा हुआ था जब हम अनरजिस्टर्ड थे, इस स्टॉक के ये इनवॉइस हैं, ये डिटेल है, इसका हमारे को इस स्टॉक पे जो हमने जीएसटी पे करा था उसका हमारे को आईटीसी हमारे लेजर में डाल दिया जाए। तो डिक्लेरेशन के बेसिस पे और एक सीए सर्टिफिकेट और सीएमए सर्टिफिकेट या सीए या सीएमए सर्टिफिकेट लगाते हैं इसके ऊपर हम, कि ये डिक्लेयर कर रहे हैं जी ये जो स्टॉक है ये जीएसटी पेड स्टॉक है, इसका इनवॉइस प्रॉपर नहीं है, फिर भी हमें आईटीसी दिया जाए। ठीक है जी, तो एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले जिस दिन आप लायबल हुए हो आपको इनपुट का सारा आईटीसी मिलेगा। मैंने कहा जी इनपुट मैंने खरीदे थे, मान लो इनपुट मैंने खरीदे थे 2 साल पुराने, मेरा बिजनेस चल रहा है 2 साल पुराने से, और 2 साल पहले भी मेरा आईटीसी, तो कैपिटल गुड्स का हम आईटीसी आपको नहीं देंगे, सिर्फ हम इनपुट का देंगे। मैंने कहा जी 2 साल पहले हमने कोई इनवॉइस रखा हुआ था, हमारे पास 2 साल पुराना कोई इनवॉइस रखा हुआ था, जैसे मेरे पास एक इनवॉइस रखा हुआ है वो 2 साल पुराना इनवॉइस है, हमने कहा जी 2 साल पुराने का इनवॉइस का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपकी इनवॉइस डेट से हम चेक करेंगे, 1 साल पुराना इनवॉइस का आपको आईटीसी देंगे, ओनली आपका जो इनवॉइस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर 1 साल पुराना आपका इनवॉइस है इस डेट से पीछे जाएंगे, 1 साल पुराना इनवॉइस है तो हम आपको इनपुट का आईटीसी दे देंगे स्टॉक पे। अगर आपका इनवॉइस 1 साल से ज्यादा का है, इतना पुराना स्टॉक पड़ा है कि आप या तो इसका भी हमें आईटीसी दो, तो हम नहीं देंगे, एक साल की लिमिट है। कैपिटल गुड्स का बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, आपको आईटीसी कैपिटल गुड्स का नहीं देंगे। पढ़ते हैं एग्जांपल के साथ, एग्जांपल दिया हुआ है, मिस्टर एक्स मिस्टर जेड बिकम्स लायबल टू पे जीएसटी ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त को ये लायबल हुए हैं सेक्शन 22 या 24 में, 15 अगस्त को इन्होंने जीएसटी नंबर ले लिया है, और इनके पास 31 जुलाई यानी कि 1 अगस्त से एक दिन पहले इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है इनपुट का,
और सेमी फिनिश गुड्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेमी फिनिश गुड और वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपका इनपुट होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए। तो इस डेट पे जो भी आपके पास इनपुट पड़ा हुआ है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, बट आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। शर्त यह है कि जो आपके इस डेट पे स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें कोई भी इनवॉइस ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक साल से ज्यादा का ओल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब कोई भी इनवॉइस ऐसा ना हो जो एक साल पुराना इनवॉइस हो, उसका हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। उसके अलावा सबका आईटीसी दे देंगे, बस इनपुट का आईटीसी देंगे, कैपिटल गुड्स का नहीं देंगे। तो ये बात हो गई, नया रजिस्ट्रेशन आपको लेना है। अगर नया रजिस्ट्रेशन आपको लेना है जो आपने वॉलंटरी लिया है सेक्शन 25 में, तो शर्त अलग है। तो कह रहे हैं जिस दिन आपको जीएसटी नंबर मिला है उस दिन से एक दिन पहले, जिस दिन आपको जीएसटी नंबर मिला है उससे एक दिन पहले जो आपके पास इनपुट पड़ा है उसका हम आपको पूरा का पूरा आईटीसी दे देंगे। शर्त यहां पे भी वही है सेम, कि आपका इनवॉइस एक साल पुराना ना हो, उससे पहले का ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मिस्टर ए अप्लाई वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑन 5 जून को अप्लाई किया है उन्होंने, 22 जून को इनका जीएसटी नंबर आया हुआ है, तो 21 जून तक, 21 जून को जो इनका स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक का हम आईटीसी आपको दे देंगे, ठीक है जी। 21 जून का, क्योंकि क्यों कह रहे हैं 21 जून का, क्योंकि 22 जून को जो हमने गुड्स खरीदा होगा उसका तो सेक्शन 16 कवर कर लेगा। पॉइंट टू बी नोटेड यहां पर, जो 22 जून को हमने गुड्स खरीदा है जिस दिन हम रजिस्टर्ड हो गए हैं उस दिन को तो सेक्शन 16 कवर कर लेगा। इसी तरीके से 1 अगस्त को जब लायबल हुए थे जीएसटी के लिए, हमारी इफेक्टिव डेट 1 अगस्त होगी, तो 1 अगस्त वाले दिन को तो सेक्शन 16 टेक कप कर लेगा। इसलिए हमने एक दिन पहले वाला स्टॉक कवर किया है, क्योंकि एक दिन जब हम रजिस्टर्ड हो गए हैं उस दिन को सेक्शन 16 कवर कर लेगा, उसके पीछे वाले स्टॉक को सेक्शन 16 कवर नहीं कर रहा था, इसलिए सेक्शन 18 को सामने आना पड़ा और ये सहारा देके इनको सेक्शन 16 ने कहा कि आप आईटीसी क्लेम कर लो एक दिन पहले वाला। तो 21 जून के आईटीसी को हम ले लेंगे जो हमारा इनपुट का पड़ा हुआ है, ओनली इनपुट का मिलेगा, कैपिटल गुड्स का यहां पे भी नहीं मिलेगा। सिंपल सिंपल बात होगी सर, अगर आप लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए सेक्शन 22-24 में तो आप लायबल वाले डेट से एक दिन पहले, क्योंकि लायबल वाले डेट पे तो सेक्शन 16 दे देगा आपको। अगर आप वॉलंटरी जीएसटी नंबर ले रहे हो तो उस दिन आपका जो ग्रांट हुआ है जीएसटी नंबर उससे एक दिन पहले का आपको सारा आईटीसी मिल जाएगा। अगला केस, तो ये वाले जो दो केस हो गए ये हमारे वो वाले केस हैं जहां हम नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, हम जीएसटी के लिए नए हैं, जीएसटी के लिए नए हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं देंगे, आप हमारे लिए नए हो, हम आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते इतना इजीली, कहां आपने कैपिटल गुड्स यूज करा है कि नहीं करा, हम आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम आपको कैपिटल गुड्स का ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अगर आपका केस ऐसा है जहां पे आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आयो, कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आयो अगर आप, तो उस केस में आपको इनपुट का भी आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। क्यों मिलेगा सर? क्योंकि जब हम कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आए हैं, यहां हम कन्वर्ट हो गए हैं, तो हम यहां इस पूरे पीरियड में रजिस्टर्ड तो थे, हम रजिस्टर्ड तो थे, बट इस पीरियड में रजिस्टर्ड थे एज ए कंपोजिट डीलर, इस पीरियड में थे एज ए कंपोजिट डीलर और इस पीरियड में थे एज ए नॉर्मल डीलर। तो रजिस्टर्ड तो थे, इसका मतलब हम आपके ओल्ड एसएससी हैं, हम आपके ओल्ड टैक्स पेयर हैं, तो हमारे को कुछ बेनिफिट दिया जाए, हम पुराने आदमी हैं, हम पुराने कर्मचारी हैं, हमारे को ज्यादा बेनिफिट दिया जाए, हम पुराने बंदे हैं, तो हमने कहा जी आप इनपुट का भी स्टॉक पे आईटीसी ले लो और कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी ले लो, क्योंकि हम तो आपके पुराने साथी हैं, हमारे को दोनों आईटीसी दे दो, आप हमारे पर विश्वास कर सकते हो। किस डेट से देंगे जी? जिस डेट से आपका कन्वर्टन हुआ है उसके पहले वाले दिन, क्योंकि इस डेट पे सेक्शन 16 पिक्चर में आ जाएगा, जिस दिन आप कन्वर्ट हो गए हो उस दिन तो सेक्शन 16 आपको हाथ पकड़ के खींच लेगा, आओ भाई आओ मैं आपके लिए बैठा हूं, बट उस डे से पहले सेक्शन 16 की पावर ही नहीं बिचारेगी, तो सेक्शन 18 को पिक्चर में आना पड़ेगा।
तो आईटीसी इनपुट पे और कैपिटल गुड्स पे आपको मिल जाएगा एक दिन पहले। अब क्वेश्चन आ गया सर, कैपिटल गुड्स की लाइफ तो लंबी होती है और कैपिटल गुड्स का ट्रीटमेंट जब हम स्टॉक लेके आते हैं तो इसकी WDV होनी चाहिए, क्यों ऐसा हो? क्यों बोल रहा जी? मैंने कहा जी मैंने ये इनपुट खरीदा, इस इनपुट का स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका आईटीसी तो मैं पूरा ले सकता हूं जितना मैंने पहले पे किया था, बट अगर मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा है तो कैपिटल गुड्स का एक रिड्यूस वैल्यू निकाली जाएगी, यानी कि WDV निकाली जाएगी और WDV के हिसाब से हम ITC लेंगे। पूरा ITC आपको नहीं देंगे क्योंकि आपने ITC का कुछ पोर्शन तो पहले यूज कर लिया, कैपिटल गुड्स की लाइफ थोड़ी कम होती ज्यादा होती है, तो कैपिटल गुड्स वाले केस में कुछ पोर्शन आपने पहले यूज कर लिया जब आप अनरजिस्टर्ड थे या आप कंपोजिशन स्कीम में थे, तो उस केस में आपको हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे ITC देंगे। वो कैसे निकालेंगे कि हम 5% लेस कर देंगे पर क्वार्टर, जितना भी हमने वो कैपिटल असेट्स जब हमने खरीदा है डेट ऑफ परचेज से लेके जितना आपने उसको यूज करा है उसको पर क्वार्टर के 5% के हिसाब से, जैसे मान लो आपके 4 क्वार्टर यूज हुआ है वो असेट, तो 4 क्वार्टर के हिसाब से 20% हम आपका लेस कर देंगे और 80% का ITC देंगे। इनपुट वाले केस में आपको देंगे 100% ITC स्टॉक पे, बट कैपिटल गुड्स में आपको 80% ITC देंगे क्योंकि आपने 20% ITC पहले ही यूज कर लिया जब आप कंपोजिशन डीलर थे। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से और क्लैरिटी हो जाएगी हमारे। एग्जांपल से मिस्टर बी है जो कि रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, वो कंपोजिशन स्कीम में थे 30 जुलाई से, यानी कि 30 जुलाई वाले दिन तो सेक्शन 16 टेक केयर कर लेगा इसको, बट 29 जुलाई को सेक्शन 16 कह रहा है मेरी पावर में नहीं है, तो 29 जुलाई वाले दिन हम देखेंगे इसके पास कितना स्टॉक पड़ा है, उस स्टॉक में इनपुट कितना है और कैपिटल गुड्स कितना है। कैपिटल गुड्स पे हम देंगे रिड्यूस ITC और इस पे देंगे 100% ITC क्योंकि कैपिटल गुड्स पे हम डेप्रिशिएट करके ITC देते हैं। कह रहा है इस डेट को ये क्या हुआ है, इफेक्टिव हुआ है। अच्छा, इस डेट को इफेक्टिव हुआ है तो ये हो जाएगा, यहां हो जाएगा 30 जुलाई तक सेक्शन 16 नहीं लगता, तो 30 जुलाई वाले दिन हम देखेंगे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इसके पास। तो ये रेगुलर स्कीम में इसको ITC इनपुट का भी मिलेगा और इसको ITC कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी ITC मिलेगा 30 तारीख को, बट मिलेगा कितना, रिड्यूस ITC मिलेगा हर क्वार्टर का हम 5%। मान लो हमने 5 क्वार्टर यूज कराया ITC, तो 5 क्वार्टर × 5% 25% हम लेस कर देंगे जो कैपिटल गुड्स का ITC उसमें लेस कर देंगे, जितना क्वार्टर हमने उसको पीछे यूज करा है उतना लेस हम कर देंगे। तो ये कंसेप्ट है हमारा, जब हम पुराने ही बंदे थे, पुराने ही रजिस्टर्ड थे, अब हमने नया रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, हमने पुराना रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट करा है नॉर्मल स्कीम में, तो हम आपको इनपुट भी देंगे और कैपिटल गुड्स भी देंगे। अगर आप नए बंदे हो, बिल्कुल नए हो हमारे लिए, तो आपको इनपुट का ही देंगे। यहां पे भी आप हमारे लिए बिल्कुल नए बंदे हो तो हम आपको इनपुट का ही देंगे। यहां पे लॉजिक लिख लेना साथ साथ में, जो लॉजिक है इनपुट क्या देने का, क्योंकि हम यहां पे हम बिल्कुल नए हैं, यहां बिल्कुल नए हैं, यहां बिल्कुल नए हैं, यहां पुराने हैं, इसलिए हम कैपिटल गुड्स का भी दे रहे हैं, बट कैपिटल गुड्स का रिड्यूस करके दे रहे हैं क्योंकि कैपिटल गुड्स की लाइफ, यूजफुल लाइफ के हिसाब से उसको हम कम दे रहे हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट कंसेप्ट है एग्जम्प्टेड सप्लाई बिकम टैक्सेबल सप्लाई। मैंने कहा जी मेरी एक सप्लाई थी जो कि यहां पे टैक्सेबल एग्जम्प्ट थी और कुछ टाइम बाद वो टैक्सेबल हो गई, यहां पे टैक्सेबल हो गई, तो फ्यूचर में जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, यहां जो एक दिन पहले जो स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास, इस स्टॉक का मुझे ITC मिलना चाहिए और ITC मिलना चाहिए इनपुट पर भी और कैपिटल गुड्स भी, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं आपके लिए ओल्ड SSC हूं, ओल्ड टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं आपके लिए ओल्ड रजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो मुझे आप इनपुट का भी ITC दो और कैपिटल गुड्स का भी ITC दो, बट कैपिटल गुड्स का जो ITC दोगे वो 5% लेस करके सेम मुझे आप दोगे। इसमें थोड़ी सी गहरी बात यह है कि इसमें पार्ट क्वार्टर को भी देखना है, यहां पे थोड़ी सी बात गहरी है, तो यहां पे आप बना लो खतरा, यहां बना लो खतरा, यहां पे आपको याद करने की जरूरत है, यहां पे पार्ट क्वार्टर को भी ऐड करना है। मान लो मेरे कोई 3 महीने हुए हैं, तो 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, ठीक है जी, मान लो मैं कहता हूं 3 महीने
15 दिन हुए हैं, 3 महीने 15 दिन हुए हैं, तो मैं इसको बोलूंगा पार्ट क्वार्टर। पार्ट क्वार्टर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको 2 क्वार्टर मान लूंगा। तो पार्ट क्वार्टर को भी हम पूरा क्वार्टर मानेंगे, ये बात यहां पे लिखी हुई है। ठीक है जी, क्लियर है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए इज एंगेज इन ट्रेडिंग मटेरियल एक्स, जो एग्जम्प्ट है 28 तारीख को, ये एग्जाम जो है टैक्सेबल हो गया, यानी कि 28 तारीख को तो सेक्शन 16 इसको टेक केयर कर लेगा, जो परचेज आप नहीं करोगे। सेक्शन 29 अगस्त को जो आपका स्टॉक पड़ा है, जो आपका स्टॉक पड़ा है इनपुट का और कैपिटल गुड्स का, उसका हम इसका तो पूरा देंगे 100%, और इसका हम आपको रिड्यूस आईटीसी देंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं कितना मटेरियल पड़ा है इसके पास। 27 अगस्त को आपके पास पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है इतना, इस पे इतना जीएसटी पीरियड है, तो ये आपको 54,000 पूरा मिल जाएगा, क्योंकि 54,000 रुपए तो पूरा आपको जीएसटी मिल जाएगा। और 60,000 रुपए है आपका कैपिटल गुड्स जो आपने परचेज किया था 1 अप्रैल को। पॉइंट टू बी नोटेड, ये 1 अप्रैल 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो जो हमने 60,000 रुपए पे करे हैं, 60,000 रुपए जो हमने 10,800 रुपए पे करे हैं, इसको हम रिड्यूस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जी, अप्रैल से लेके, और ये कौन सा मंथ है, अगस्त महीना, तो अप्रैल से लेके अगस्त तक हम देखेंगे कितना क्वार्टर हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो ये हो गया आपके, देखा जाए तो 1 क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून, और दूसरा क्वार्टर हो गया जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त का पूरा क्वार्टर पूरा नहीं हो रहा, फिर भी इसको पूरा क्वार्टर मानेंगे, तो हम लेंगे 2 क्वार्टर पूरे लेंगे 2 क्वार्टर, क्योंकि ये जो पार्ट क्वार्टर है इसको भी हम पूरा 2 क्वार्टर मानेंगे। तो हम लेंगे जी 5% 2 क्वार्टर के, ये हो गए 10%। तो 10% के हिसाब से हम 10,800 में से 10% लेस कर देंगे। 10% लेस करने के बाद जो हमारा आएगा ये हम ले लेंगे, तो हमने 10% लेस कर दिया इसमें से, और जो हमारा बैलेंस आया उसको हम ले लेंगे। तो बेसिकली हमने रिड्यूस आईटीसी कैसे निकालना है, हमें रिड्यूस आईटीसी निकालने के लिए, ये हमारा रिड्यूस आईटीसी है फॉर कैपिटल गुड्स, और ये हमारा फुल आईटीसी है 100% आईटीसी। तो ये ध्यान रखना है आपको, बस ये ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको पार्ट देयर ऑफ लेना है, मतलब अगर आपका कोई पार्ट क्वार्टर है उसको फुल में कन्वर्ट राउंड ऑफ कर देना, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है यहां पे स्पेशली। तो यहां पे लिख लो आप क्वार्टर प्लस पार्ट, यहां पे क्वार्टर प्लस पार्ट लिख लो, और यहां पे लिख लो ओनली फुल क्वार्टर। यहां पे फुल क्वार्टर चेक करना है आपको, फुल क्वार्टर होगा तो काउंट करना है, अदरवाइज काउंट नहीं करना। बस ये थोड़ी सी अलग बात है, बाकी ये तो कंसेप्ट सेम है बिल्कुल। कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आए हो, लास्ट उससे पहले वाले दिन स्टॉक पे, इनपुट पे, कैपिटल गुड्स पे पूरा आईटीसी मिलेगा, इनपुट पूरा मिलेगा, कैपिटल गुड्स पे रिड्यूस मिलेगा। अगर आप टैक्सेबल हो गए हो एग्जम्प्ट से, तो आपको लास्ट डे वाले दिन पूरा आईटीसी मिलेगा इनपुट पे, कैपिटल गुड्स पे 5% लेस करना है, रिड्यूस निकालना है, और आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो ये मेरा एलिजिबल आईटीसी है जो मेरा सेक्शन 16 ने कवर नहीं किया था, सेक्शन 16 ने इसको कवर नहीं किया था। सेक्शन 16 बात करता है फ्रेश परचेज की, सेक्शन 16 ने कवर नहीं किया। सेक्शन 18 ने बोला जी, सेक्शन 18 ने बोला कि इस तरह का आईटीसी मैं आपको दे दूंगा। ये आईटीसी क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आईटीसी इनपुट का और रिड्यूस आईटीसी कैपिटल गुड्स का, ये आपको आईटीसी दे दूंगा। इसके लिए आप मुझे दोगे डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन देने के बाद आप लगाओगे सीए सर्टिफिकेट, उसके बाद मैं आपको ये आईटीसी आपके अकाउंट में डाल दूंगा जीएसटी पोर्टल पर। तो आई होप आपको क्लियर होगी सिचुएशन। शुरू, तो टाइम लिमिट दी हुई है हमें। टाइम लिमिट क्या है, मैक्सिमम टाइम लिमिट है आपकी 1 साल एक्सपायरी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। आपको देखना है कि हमारा कोई भी इनवॉइस जो हम क्लेम कर रहे हैं स्टॉक पे, वो 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो। 1 साल पुराना स्टॉक चल जाएगा, उससे पुराना स्टॉक 2 साल पुराना, 1.5 साल पुराना, 11 महीने 13 महीने पुराना नहीं चलेगा।
एक केस गवर्नमेंट ने और दिया, एमलगेमेशन और डीमर्जर वाले केस में, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ इनपुट का वो आपको मिल जाएगा। सर हमें यहाँ पे स्टॉक का क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे, वाई वी आर नॉट गिविंग अ स्टॉक क्रेडिट। मान लो यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है, इस स्टॉक का आईटीसी तो ऑलरेडी एबीसी ने ले लिया होगा अपने क्रेडिट लेजर में, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो इन्होंने ऑलरेडी अपने इस स्टॉक का आईटीसी ले लिया होगा क्रेडिट लेजर में सेक्शन 16 के अंदर। सेक्शन 16 ने इस सिचुएशन को ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। किस सिचुएशन को? इस सिचुएशन को, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब ये कंपनी रजिस्टर्ड है तो ये नई कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो हम स्टॉक पे आईटीसी नहीं देंगे। स्टॉक का तो आईटीसी आप ऑलरेडी ले चुके हो सेक्शन 16 में, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो तो आप इसका आईटीसी ऑलरेडी ले चुके हो क्रेडिट लेजर में, तो हम आपको आईटीसी दोबारा स्टॉक पे नहीं देंगे, बट आपको जो क्रेडिट लेजर है इसको हम मूव कर देंगे नई कंपनी में। आपको बात समझ में आ रही है? आपको कुछ भी रटाफिकेशन नहीं करना, रटना नहीं है, आपको समझना है कि ये कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी और इस कंपनी में ये कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, तो इसका जो स्टॉक है उसका आईटीसी ये कंपनी सेक्शन 16 में ऑलरेडी ले चुकी है, तो इसका लेजर ट्रांसफर हो जाएगा, आईटीसी का लेजर ट्रांसफर हो जाएगा, स्टॉक पे हम आईटीसी नहीं देंगे। तो डीमर्जर वाले केस में स्टॉक के नाम देके हम लेजर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये वाला केस हो गया डीमर्जर वाला और अमलगमेशन वाला। ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, अ पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी, अ न्यू कंपनी अमर्ज ए लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म के पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी लेजर था, क्या था? लेजर था, स्टॉक नहीं था, ये लेजर में पड़ा हुआ था इतने 55 लाख रुपए, और ये इनको आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा बी लिमिटेड को। ये सिंपल केस है। इन केस ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर हम पुरानी कंपनी का लेजर क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर कर देते हैं एज इट इज नई कंपनी को। ये तो हो गई हमारी सिचुएशन। अब हमारे पास कुछ और सिचुएशन है जहां पे हम उल्टा कर रहे हैं। हमने कहा जी पहले हम नॉर्मल डीलर थे, अब हम कंपोजिट डीलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट हो रहे हैं। पहले हम टैक्सेबल थे, अब हम एग्जम्प्ट हो रहे हैं। ये सिचुएशन उल्टी सिचुएशन है, यानी कि जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ है जिसमें आपने आईटीसी लिया हुआ था, अब आपको हम पेमेंट कराएंगे एज ए आउटपुट टैक्स। हमने कहा जी पहली सिचुएशन ऐसी थी जब हम एग्जम्प्ट थे और एग्जम्प्ट से टैक्सेबल बन रहे थे, तो हमारे को स्टॉक पे आप आईटीसी दे रहे थे। अब उल्टा केस हो रहा है, हम अभी टैक्सेबल थे और अब हम बाद में एग्जम्प्ट हो रहे हैं, तो जो स्टॉक पड़ा हुआ है इसके ऊपर जो आप आईटीसी ले चुके हो, ये आपको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए था, तो इस स्टॉक पे जो आपने आईटीसी लिया हुआ है किस पे? कैपिटल गुड्स पे और इनपुट पे, दोनों पे, इसको आप आईटीसी गवर्नमेंट को पे कर दो। इसी तरीके से आप पहले कंपोजिशन डीलर थे, अब आप नॉर्मल डीलर थे, अब आप कंपोजिशन डीलर में कन्वर्ट हो रहे हो, तो पहले आपने जो आईटीसी लिया हुआ था स्टॉक के ऊपर, अब आप क्योंकि स्टॉक को बेचोगे कंपोजिशन स्कीम में, तो आपको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, हम आपको आउटपुट टैक्स पे करा देंगे। तो ये बातें लिखी हुई है इन सेक्शनों में, हालांकि नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो इसको आप एक रीडिंग लगा के छोड़ सकते हैं, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो इस केस में दिया हुआ है नॉर्मल डीलर शिफ्टेड टू कंपोजिशन स्कीम, या फिर टैक्सेबल वाला बन जाता है एग्जम्प्ट में, उस केस में हम क्या करेंगे, कैपिटल गुड्स का इनपुट का और कैपिटल गुड्स का जो भी स्टॉक पड़ा था उस स्टॉक पे आईटीसी को रिवर्स कराएंगे और आईटीसी को रिवर्स करा देंगे और ये पे करा देंगे। मैं आपको बोलूंगा प्रैक्टिकली आप इस पे मत जाना, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की सिचुएशन आपके एग्जाम वाला एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत कुछ पूछने के लिए है। इस लेवल की बातें हम सीए फाइनल में पूछते हैं, तो ये चीजें आपको नहीं पूछी जाएंगी। फिर भी आप एक रीडिंग लगा के छोड़ देना इसकी। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक नॉर्मल डीलर है जो कि जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में है, और ये 1 अप्रैल को स्टॉक रखा हुआ है इसके पास, 31 मार्च को ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा स्टॉक जो है अब ये नॉर्मल डीलर कन्वर्ट हो गया है, ये कंपोजिट डीलर कन्वर्ट हो गया है नॉर्मल स्कीम में, और नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट होने की वजह, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये नॉर्मल डीलर कन्वर्ट हो गया है कंपोजिशन स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट हो गया है, तो जो भी इसके पास इनपुट का स्टॉक पड़ा हुआ था, कैपिटल गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ था, इसका ये आईटीसी रिवर्स करेगा
आईटीसी पे करेगा। और यहां पे अगेन हम रिड्यूस आईटीसी निकालेंगे कैपिटल गुड्स के लिए, और रिड्यूस आईटीसी निकालने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम ऐसे मानेंगे कि आपका जो आईटीसी है कैपिटल गुड्स पे उसकी लाइफ 60 महीने की है, आपने कितने महीने उसको यूज कर लिया है उतना आप लेस कर दो और बैलेंस आप पे कर दो। यहां पे इस वाले फॉर्मूले के अंदर हमने यूजफुल लाइफ से निकाला है, क्वार्टर से नहीं निकाला, हमने यूजफुल लाइफ से निकाला है। बस ये खास बात है इस वाले प्रोविजन की, यहां पे क्वार्टर से नहीं निकाला, हमने मंथ से कैलकुलेशन करी है। जितना मंथ आपने यूज कर लिया, आपने जितना मंथ आप यूज कर चुके हो उतना आपने लेस करके ये आपने कैपिटल गुड्स और ये आपने इनपुट का 100% आईटीसी, ये आपने आईटीसी पे करना है। क्योंकि आप पहले नॉर्मल स्कीम में हुआ करते थे, आपने नॉर्मल स्कीम में सारे आईटीसी बुक कर लिए होंगे, लेजर सेक्शन 16 में ले लिए होंगे, अब आप जा रहे हो कंपोजिशन स्कीम में जहां पे आपको टैक्स फ्यूचर में देना है, अपनी जेब से आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, या फिर आप पहले एग्जाम थे या पहले टैक्सेबल थे, अब आप एग्जाम्ड में जा रहे हो आपको फ्यूचर में आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम आपका आईटीसी रिवर्स करवा रहे हैं या आईटीसी पे करवा रहे हैं थ्रू आउटपुट टैक्स। तो ये सिंपल सिंपल प्रोविजन दिया हुआ है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला जो क्लॉज है, फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लेना, आपके लिए पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर सिंपल सिंपल हमने काम क्या किया है, बस कैपिटल गुड्स को निकालने का जो तरीका है वो हमने मंथली सिस्टम पे कर दिया है, बाकी सारी चीजें सेम है, कंसेप्ट वही है जो हमने आपको भी बताया था कि अगर हम टैक्सेबल से एग्जम्प्ट जा रहे हैं तो हमारे को स्टॉक पे आईटीसी पे करना है, अगर हम एग्जम्प्ट टैक्सेबल जा रहे हैं तो हमें आईटीसी का अधिकार सेक्शन 18 जनरेट करके देगा। उसके बाद इन्होंने बताया जी क्रेडिट कैसे निकलेगा, ये बता दिया हमने, क्रेडिट निकलेगा एज पर रूल्स। तो एज पर रूल्स हम क्रेडिट निकालेंगे, जो रूल मैंने आपको यहां पे ऑलरेडी लिख के दे दिए हैं ताकि आपका टाइम ना बचे। लास्ट बट नॉट लीस्ट सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर आप कैपिटल गुड्स बेच रहे हो, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास बताया था सेक्शन 16 बताया था मैंने कि कैपिटल गुड्स खरीदने हुए ट्रीटमेंट सेम है, इनपुट खरीदते हुए ट्रीटमेंट सेम है, बट इनपुट को कैपिटल गुड्स को बेचते हुए ट्रीटमेंट अलग है। आज वो दिन आ गया है जब मैं आपको बता रहा हूं कि कैपिटल गुड्स को बेचते हुए ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। कैपिटल गुड्स को बेचते हुए ट्रीटमेंट कैसे अलग है, हमें कैपिटल गुड्स को निकालने के लिए ये देखना है कि हमारी सेल वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू और रिड्यूस्ड आईटीसी, रिड्यूस्ड वैल्यू, इन दोनों में से जो भी हमारा ज्यादा है, विच एवर इज हायर है, उतना हम आईटीसी रिवर्स कर देंगे, उतना आईटीसी हम रिवर्स कर देंगे, या हम बोलेंगे उतना आईटीसी, उतना टैक्स हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो हमारे को अपनी कोई मशीन बेचनी है, मान लो मेरी कोई मशीन है, मुझे उसको बेचना है, तो मेरा एक हो गया सेल वैल्यू और एक हो गया मेरा रिड्यूस्ड वैल्यू। मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा और जो भी हायर है उस पे जीएसटी का रेट अप्लाई करूंगा, और जीएसटी जो मैंने सेल करी है, ओल्ड मशीन सेल करी है, वो जीएसटी मैं पे कर दूंगा, जीएसटी पेबल। तो बेसिकली मशीन को खरीदते हुए ट्रीटमेंट हमारा सेम है, वी गेट 100% आईटीसी, बट बेचते हुए हम कंपेयर करते हैं सेल वैल्यू और रिड्यूस्ड, इसको हम बोलते हैं WDV, WDV वैल्यू, इसको कंपेयर करते हैं, जो भी इनमें से हायर होता है उसको हायर को हम उस पे हायर पे हम जीएसटी पे करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए आ सकता है, ये आप अलग से कर लो कि आपने कोई ओल्ड मशीन बेची है उसका आईटीसी किस तरह से पे होगा, उस पे जीएसटी कैसे पे होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। तो ये मैंने आंसर एक एग्जांपल समझते हैं। फिर उन्होंने बताया जी रिफैक्टरी ब्रिक्स मोल्ड डिक्स जाई, इनके लिए हम सिंपल सिंपल सेल वैल्यू को ही मान लेंगे, हम रिड्यूस वैल्यू को कंपेयर नहीं करेंगे। तो इसके लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही हम सेल वैल्यू मान लेंगे और जीएसटी लगा लें, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम लाइफ होती है, तो इसके लिए हम रिड्यूस वैल्यू वाला कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, रिड्यूस वाला
कंसेप्ट हम यूज नहीं करेंगे, डब्ल्यू डी वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। सिंपल सिंपल जितने भी हमने बेचा है, मान लो हमने कोई मोल्ड बेच दिया एक रुपए में, तो एक रुपए पर हम जीएसटी लगाएंगे, हम रिड्यूस वैल्यू को कंपेयर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, मिस्टर एबीसी सोल्ड इट्स मशीनरी एज स्क्रैप, इसको कर लो आप स्क्रैप, स्क्रैप की तरह इन्होंने बेच दी 45,000 रुपए की, इस तारीख को इन्होंने बेच दी और ये परचेज करी थी इतने रुपए की और इस पर इतना जीएसटी इन्होंने पे करा हुआ है। तो हम देखेंगे जी जीएसटी पे करा हुआ है 36,000 रुपए और ये इन्होंने सेल वैल्यू करी है, तो हम निकालेंगे जीएसटी कितना पेबल आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में, ये इसको लिख लो इंपॉर्टेंट, इसको आप प्लीज जरूर रिवाइज करके जाओ क्योंकि ये कैपिटल गुड्स के बेचने का ट्रीटमेंट है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। तो क्या लिखेंगे जी, हमने निकालेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू, वो आएगी 45,000 पे 18% टैक्स, ये हमारा आ गया ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी आ गया हमारा, जो हमें कंसिडरेशन मिली है उसके बेसिस पे हमने जीएसटी निकाल दिया सेक्शन 15 के हिसाब से। उसके बाद हमने कहा जी आप कंपेयर करो इसको रिड्यूस आईटीसी से, और कंपेयर करो आप रिड्यूस आईटीसी से, कैसे कंपेयर करना है जी आपको, आपको 5% पर क्वार्टर लेना है, वो भी पर क्वार्टर भी कैसे, पार्ट देयर ऑफ, तो आप क्वार्टर निकालोगे। हमने कहा जी कितने क्वार्टर हैं जी, एक क्वार्टर तो यहां हो गया, एक क्वार्टर आपका यहां हो गया, तो बेसिकली आपके दो क्वार्टर हो गए, दो क्वार्टर के हिसाब से आप लेस करोगे। कैसे हो गए दो क्वार्टर, हमने कहा जी हमने ये मशीन खरीदी थी 23 अगस्त को, तो अगस्त 18 से लेके, और हमने ये मशीन बेची है, सॉरी ये खरीदी थी हमने 1 अक्टूबर को, ये मशीन खरीदी थी हमने और इसको बेचा है हमने मशीन को 23 अगस्त को, तो कितने क्वार्टर हो गए जी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, जून के बाद जुलाई अगस्त, अगस्त का हाफ क्वार्टर है इसको भी पूरा क्वार्टर मान लें, तो ये हमारे हो गए 4 क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर का हम लेस करेंगे, 4 क्वार्टर कैसे आएगा जी, 5% इंटू 4 क्वार्टर, ये हो गया आपका 20%। तो बेसिकली हम जो हमारा ये हमारा आईटीसी हमने लिया हुआ था, आईटीसी था हमारा 36,000 रुपए, 36,000 रुपए से 20% हम लेस कर देंगे, जो हमने निकाला है 4 क्वार्टर इंटू 5% ईच क्वार्टर, क्योंकि पार्ट क्वार्टर का भी पूरा क्वार्टर कर दिया हमने, तो 36,000 रुपए लेस कर देंगे हम, 36,000 रुपए से 20% लेस कर देंगे, तो कितना आएगा ये 36,000 का 20% लेस करने के बाद ये आएगा हमारा 28,800 रुपए, ये आएगा हमारा 20% लेस करने के बाद, ये आएगा हमारा, इन दोनों में को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो भी हायर है ये हमारा हायर है, तो हम जीएसटी पे कर देंगे इतने रुपए। तो कैपिटल गुड्स में इनपुट में अगर होता है तो इनपुट में हम ये बात फॉर्मूला नहीं लगाते, इनपुट में तो हमारा सिंपल सिंपल सेक्शन 15 के हिसाब से ये वैल्यू आ जाती और हम ये पे कर देते, बट सेक्शन 28 ये सेक्शन 18 ये बोलते हैं कि अगर आप कैपिटल गुड्स बेच रहे हो तो उसको कंपेयर भी करना पड़ेगा सेल वैल्यू से, ट्रांजेक्शन वैल्यू से और रिड्यूस वैल्यू से, विच एवर इज हायर, वो हमारा हायर क्या है, वो हमारा हायर 28,800 आया है, ये हमें एक्चुअली में पे करना है। सिंपल सिंपल लॉजिक है, सिंपल सिंपल लॉजिक है। अगर आप कोई कैपिटल गुड्स बेच रहे हो, कैपिटल गुड्स अगर आप बेच रहे हो तो आपको ये देखना है, कैपिटल गुड्स खरीदते हुए ट्रीटमेंट सेम है, बेचते हुए आपको ये देखना है कि मेरी सेल वैल्यू पे जीएसटी कितना आ रहा है और मेरी रिड्यूस वैल्यू आईटीसी की कितनी है, दोनों में से जो भी हायर है उतना मेरे को जीएसटी पे करना है। गवर्नमेंट कहती है आप कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो उसको समय से पहले बेच रहे हो, समय से पहले बेचने पे हम थोड़ा नाराज हो जाएंगे आपसे, समय पहले बेच रहे हो तो हम क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू और जो आपका आईटीसी रिड्यूस आईटीसी है उस दोनों कंपेयर करेंगे, उसमें जो भी हायर है उतना आपसे जीएसटी पे करवा लेंगे। आप तो क्या करोगे, 2 लाख की मशीन 2 रुपए में बेच दोगे और बोलोगे 2 रुपए में जीएसटी ले लो मेरे से, सिंपल सिंपल 18% का। गवर्नमेंट बोला नहीं, आप 2 लाख की मशीन 2 रुपए में कैसे बेचोगे, हम आपसे रिड्यूस आईटीसी पे करवाएंगे अगर आपने ऐसा काम कर दिया तो। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 18 कंप्लीट हो गया। इसमें एक सर्कुलर आया हुआ है जिसमें बात लिखी हुई है कि अगर कोई मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर ए हैं, उनकी डेथ हो जाती है
तो डेथ वाले केस को भी हम ट्रांसफर बोलते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है ए बी सी लिमिटेड, अगर ये कंपनी ट्रांसफर होके बन गई एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो ये एक ट्रांसफर है, ये एक ट्रांसफर है। बट डेथ होना इज नॉट अ ट्रांसफर, इट इज अ सक्सेशन, और सक्सेशन के केस में स्टॉक पे आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि डेथ को भी हम ट्रांसफर ही मानेंगे, सक्सेशन नहीं मानेंगे, इसको भी हम ट्रांसफर मानेंगे। और जो डेथ वाले केस में जो भी हमारा आईटीसी पड़ा हुआ है लेजर के अंदर, क्योंकि यहां पे मिस्टर ए का पैन अलग है और उसके बेटे का पैन अलग होता है, मान लो मिस्टर बी इसका बेटा है तो इसका पैन अलग है, इसका पैन अलग है, तो हम लेजर जो पड़ा होगा यहाँ पे मिस्टर ए का, उसको हम ट्रांसफर मान के मिस्टर बी को ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस पड़ा होगा वो डी मर्जर और एमलगेमेशन की तरह ही ट्रीट होगा। तो डेथ वाले केस को भी हम ट्रांसफर मान के सेम ट्रीटमेंट करेंगे जैसा हमने कंपनी के मर्जर और एमलगेमेशन में किया था। ये वाले सर्कुलर में ये बात लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, सिंपल है। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इस प्रोविजन में हमने क्या करा, लेट्स डिस्कस वन बाय वन हमने क्या करा। हमने कहा जी इस सेक्शन 18 में वो बातें दी हुई हैं जो सेक्शन 16 में कवर नहीं थी। सेक्शन 16 नए रजिस्ट्रेशन को कवर नहीं करता था, वो कहता जी पुराने स्टॉक का आईटीसी नहीं देंगे हम, 16 तो फ्रेश की बात करता था। हमने कहा आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो हम आपको सिर्फ इनपुट पे आईटीसी दे देंगे, पूरा आपके स्टॉक पर, किस दिन वाले स्टॉक पे, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लायबल हुए उससे एक दिन पहले वाले स्टॉक पे दे देंगे। अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको जिस दिन आपने जीएसटी नंबर आपका आया है, ग्रांट हुआ है, उससे एक दिन पहले आपको आईटीसी मिल जाएगा स्टॉक पे, ओनली इनपुट पे मिलेगा, कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा इनपुट पे भी, कैपिटल गुड्स पे, क्योंकि आप नए नहीं हो, हमारे लिए आप पुराने हो। बट आप कन्वर्ट होके आ रहे हो तो आपको इनपुट पे मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स पे मिल जाएगा, बट शर्ते कैपिटल गुड्स पे आपको रिड्यूस होके मिलेगा 5% फुल क्वार्टर, नॉट पार्ट क्वार्टर, फुल क्वार्टर, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको इनपुट का भी मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, बट मिलेगा कैसे, रिड्यूस आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स को भी पार्ट क्वार्टर का मिलेगा, हम राउंड ऑफ भी कर देंगे, ये आपको स्पेशल बात ध्यान रखनी है यहाँ पे। उसके बाद हमने ये समझा टाइम लिमिट क्या है, एक साल पुराने वाला इनवॉइस को हम स्टॉक का आईटीसी नहीं देंगे। आपका इनवॉइस एक साल पुराना नहीं होना चाहिए, आपका इनवॉइस एटलीस्ट एक साल के अंदर का होना चाहिए, उसके पहले का इनवॉइस अगर है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ अम्बलगमेशन, इन केस ऑफ डेथ, हम आईटीसी का लेजर ट्रांसफर कर देते हैं, स्टॉक ट्रांसफर तो करते ही हैं, बट हम आईटीसी का लेजर आपको एज इट इज दे देते हैं तो बैलेंस आपको मिल जाएगा। इन केस ऑफ नॉर्मल डीलर कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है, किससे, टैक्सेबल स्कीम से, या फिर एग्जाम से टैक्सेबल स्कीम से एग्जाम्प्ट में जा रहा है, तो उस केस में हम आपको जो आपका आईटीसी आपने लिया हुआ है स्टॉक पे उसको पे करवाएंगे, और पे करवाएंगे प्रोराटा बेसिस पे, मंथली सिस्टम के हिसाब से, ये मानते हुए कि आपके एसेट की लाइफ 5 साल है, तो 5 साल के हिसाब से आपका आईटीसी प्रोपोर्शनल निकालेंगे। ओनली कैपिटल गुड्स का, इनपुट का तो हमेशा पूरा आईटीसी शिफ्ट होता है इधर से उधर, इनपुट में कोई रिड्यूस का चक्कर नहीं है, ओनली कैपिटल गुड्स के लिए हम ये फॉर्मूला रिड्यूस आईटीसी निकालते हैं। उसके बाद लास्ट कि जो आपका कैपिटल गुड्स आप बेचोगे उसका आपको चेक करना है ट्रांजेक्शन वैल्यू एज पर सेक्शन 15, और 5% पर क्वार्टर एंड पार्ट क्वार्टर आपको लेस करना है कैपिटल गुड्स के केस में, और जो आपका कंपैरिजन करके आएगा उसमें जो भी ज्यादा है उतना आपको जीएसटी पे करना है। तो ये हमारा सेक्शन 18 हो गया है कंप्लीट। सेक्शन 18 के अंदर हमने सारी बातें कर ली हैं, ऑल्दो सेक्शन 18 प्रैक्टिकली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आपने कर लिया है। इसके अंदर जो पहले वाले 4 केस हैं आपके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक केस आपका कैपिटल गुड्स वाला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपका जो केस आपका आया हुआ है ना, ये कि कंपोजिट डीलर टैक्सेबल में हो गया है, ये या फिर एग्जम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्प्ट में हो गई है, ये इतना नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप एक रीडिंग लगा छोड़ दो। इसमें मेन आप चार्ट ये बनाओगे कि कब कब हम कैपिटल गुड्स को कैसे रिड्यूस करते हैं, ये चार्ट आप बना लोगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। एग्जाम्पल जितने मैंने आपको दिए हुए इतना सफिशियंट है इस चैप्टर के लिए, इतने काफी एग्जाम्पल है, क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी पूछा जाएगा तो आप उसको कर लेंगे। तो अब हम दोस्तों लेट्स डिस्कस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।
बहुत आसान क्वेश्चन पेपर में आपके आ रहे हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं एक वीडियो और निकाल लूंगा जिसके अंदर मैं आईसीएआई के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आरटीपी में आए हुए हैं और पास्ट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। उसके अंदर मैं आपको आईटीसी और पेमेंट का चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद तब मैं आपको आईसीए क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आईटीसी समझने के बाद हमने समझ लिया कि आईटीसी अवेल कब करना है, बट अभी हमने ये नहीं सीखा कि इसको यूटिलाइज कब करना है। तो यूटिलाइज वाली बात जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे पेमेंट वाला, तो हम दोनों कॉन्सेप्ट करने के बाद आईसीए के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि क्योंकि आईसीए हमारे से क्वेश्चन दोनों मिक्स पूछता है, आईटीसी अवेल करने के यूटिलाइज करने के। तो दोनों कॉन्सेप्ट करने के बाद हम फिर आईसीए क्वेश्चन पे आएंगे। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो इंडिपेंडेंटली अवेलमेंट की बात करते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने अगर क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, सेक्शन 16, 17, 5, सेक्शन 17 और 18 आपने अच्छे से रीड कर लिए हैं, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। देखते हैं जी क्या क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी मशीन, प्रिक्योर द फॉलोइंग आइटम इन जुलाई। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर इसमें यूज करे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। अब आप याद करो सेक्शन 17(5) के 17(5) में इस तरह का कोई आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है हमने? हमने कहा जी नहीं ब्लॉक किया हुआ है, तो ये आईटीसी आपको अलाउड है। ये काम मैं कहाँ कर रहा हूँ, रफ में कर रहा हूँ। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर की कोई बात नहीं लिखी हुई, क्योंकि ना तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, ना ये यूज हुआ है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये ट्रांसफार्मर यूज हुए हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स की यूज हुए हैं, तो इसका हमें आईटीसी मिलेगा, ये ब्लॉक नहीं है। सेक्शन 17(5) में इस तरह की कोई ब्लॉक नहीं दिया हुआ था, तो ये आईटीसी आपको मिलेगा, बट शर्तें आपकी सारी शर्तें पूरी हुई हैं। वो बात ऐसे नोट में दे दी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं, तो इसका आईटीसी आपको मिलेगा। मैं लिख दूंगा अलाउड है। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रॉ मटेरियल, यस ये भी आपका अलाउड है। उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदा है, ये भी आपका अलाउड है। उसके बाद लिखा है कन्फेक्शनरी आइटम, ओहो व्हाट इज कन्फेक्शनरी आइटम, इसका मतलब क्या है, ये फूड आइटम है, और फूड आइटम का आईटीसी कब मिलता है, जब आप फूड बेचने के लिए खरीदते हो तो मिलता है, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलता। तो फूड आइटम में दो केस में मिलता है, या तो आपने आगे फूड ही बेचना है तो मिल जाएगा, या आपके एम्प्लॉयर को ऐसा करना कंपलसरी है किसी लॉ में, तो भी आपको फूड का आईटीसी मिल जाता है। दोनों केस यहां कवर नहीं है, इसने कस्टमर मीट के लिए फूड आइटम दी है तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, हम लिखेंगे ब्लॉक क्रेडिट। तो ये आपका आईटीसी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और ये आपका आईटीसी ब्लॉक्ड है। अब आपको इसको कैसे प्रेजेंट करना है ये मैं आपको दिखा देता हूं, हाउ टू प्रेजेंट। सिर्फ आपको आंसर देके नहीं आना, आंसर के लॉजिक भी आपको देके आने हैं। ये आपका आंसर है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर बिंग गुड्स यूज इन बिजनेस, आईटीसी मिल जाएगा। तो आपके जो ये आप वर्किंग नोट बना के आ रहे हो, इसके भी मार्क्स होते हैं। आपको सिंपल सिंपल ये नहीं बोलना कि ये आईटीसी मिल जाएगा, यस यस बोल के आ जाओगे, इसका आपको लॉजिक भी देना है कि ये आपने बिजनेस के लिए यूज करा, आपको आईटीसी मिल जाएगा। ट्रक का आईटीसी आपको मिल जाएगा, आपने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिला ये भी मिल जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं है, ये आपको बताना है एग्जामिनर को कि ये ब्लॉक नहीं है, इसलिए आपको आईटीसी मिल जाएगा। हमने कहा जी रॉ मेटेरियल का आईटीसी आपको मिल जाएगा, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा कन्फेक्शनरी का, क्योंकि ये फूड आइटम ब्लॉक्ड है, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ये आपका एलिजिबल आईटीसी आ गया, आप बताओगे फूड आइटम ब्लॉक्ड है, इसका आईटीसी नहीं मिलता। तो आंसर करते हुए सिर्फ आंसर लिख के नहीं आना, आंसर का रीजन भी आपको दे के आना है, इसीलिए मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूं क्वेश्चन, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चन ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, इनपुट ए यूज कराया हमने और इसका 10,000 का जो इनवॉइस है ये मिसिंग है। तो जो इनवॉइस मिसिंग है इसका मतलब आपके पोजेशन में नहीं है इनवॉइस, इसका हम आईटीसी आपको नहीं देंगे, ठीक है जी। आपने इनपुट बी यूज करा है जिसकी दो इंस्टॉलमेंट आ चुकी हैं और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी यूज अक्टूबर में आई है, तो हम इसका भी आईटीसी आपको नहीं देंगे, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हम आईटीसी देते हैं और आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट अक्टूबर में नहीं आई है, तो हम आपको आईटीसी इसका भी नहीं देंगे। कैपिटल गुड्स वाले केस में ध्यान रखना, 1,00,000 में से 10 का नहीं देना, बाकी 90 का देना है,
ये काम मैं कहाँ कर रहा हूँ, अपने रफ में काम कर रहा हूँ, इसका पूरा नहीं मिलेगा, इसका 90 का मिलेगा, ये मैं काम रफ में कर रहा हूँ। कैपिटलाइज कर दिया हमने, और हमने पूरा का पूरा बिल कैपिटलाइज कर दिया है, इसका मतलब इस पे ITC नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इसको कैपिटलाइज कर दिया है और इसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, इसका ITC आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका एक इनवॉइस है इस डेट का, और ये आपका GST, इसको आपने पेमेंट इनवॉइस डेट इतना है, ऑन विच GST पेबल इतना, रिसीव इन अक्टूबर मंथ। मतलब आपको जो इनवॉइस मिला है, इनवॉइस पे डेट लिखी है ये वाली, बट जो ये इनवॉइस है ये आपको मिला है अक्टूबर मंथ में। तो हमारी लास्ट डेट क्या होती है टाइम लिमिट के हिसाब से, 20 अक्टूबर, और एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट क्या हमें दी हुई है यहाँ पे, यस दी हुई है, एनुअल रिटर्न फाइल हुई है 15 सितंबर को। तो हम लिखेंगे 20 अक्टूबर और 15 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम लिमिट टू क्लेम ITC। तो ये जो हमें रिसीव हुआ है गुड्स, ये 20 अक्टूबर को रिसीव हुआ है, इसका ITC नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में, इसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई, तो इसका भी ITC नहीं मिलेगा। तो इसका 90 मिलेगा, इसका पूरा नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर आपने कैपिटलाइज कर दिया है, और इसका भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है। तो सिंपल सिंपल हमें 90,000 का ITC मिलेगा। हमने आंसर अपना रफ में कर लिया है, अब फेयर में करेंगे, फेयर में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये 90,000 रुपये। इसके अंदर कह रहा है कि 1/75 में से, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं क्या बोला था इसने, 1/75 में से, ये कह रहा है 2/25 में से 50,000 रुपये का GST का जो बिल है वो हमारे को अक्टूबर में रिसीव हुआ है। मतलब हमने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी, पढ़ने में जल्दबाजी कर दी, हमने ध्यान से पढ़ा नहीं, पढ़ने में हमने जल्दबाजी कर दी, तो हम क्या करेंगे, 50,000 रुपये का जो ITC हमें बाद में मिला है इनवॉइस, उसमें से 50,000 का ITC हमें नहीं मिलेगा, बाकी 75 का तो, 1/75 का तो मिलेगा। तो 50,000 का जो इनवॉइस था जो इस डेट का था, ये हमें रिसीव हुआ अक्टूबर में, और ये रिसीव हुआ एनुअल रिटर्न फाइल करने के बाद, तो इसका ITC हम नहीं देंगे, अदरवाइज हम ITC पूरा दे देंगे। क्लियर है जी बात? तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसका हम आपको ITC पूरा दे देंगे। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं बच्चों वाले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका मैं कराऊंगा, जब मैं कराऊंगा आपको ICA क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर पेमेंट का कंसेप्ट यूज हो रखा है, इसको हम बाद में करेंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ये एग्जांपल मैं क्लास में करा चुका हूँ। इसके अंदर ये था कि आपको जो ITC अपलोड नहीं हुआ सिस्टम पे, उसका ITC हमें किस तरह से लेना है, ये मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, आप अटेम्प्ट कर लोगे आपको आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्लास में करा चुका हूँ मैं, मेरे एग्जाम्पल में कवर हो चुका है ये क्वेश्चन, तो ये भी आप देख लेना, ये भी आपको कवर हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक गारमेंट फैक्ट्री है, वो उसने एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करा और कमांडो को यूनिट देनी है, और ये कमांडो को जो सप्लाई देनी है वो एग्जम्प्ट सप्लाई है। तो एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए अगर हम कोई इनपुट ले रहे हैं तो उसका ITC हमें नहीं मिलता। सिंपल क्वेश्चन है कि हमें एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए कोई भी इनपुट नहीं मिलता। तो हमने कहा जी ये टर्नओवर है हमारी 4 करोड़ की, ये हमारी टर्नओवर क्या है, एग्जम्प्ट टर्नओवर है, सॉरी टर्नओवर ऑफ द अदर प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड एग्जम्प्टेड। तो ये हमारी हो गई टोटल टैक्सेबल टर्नओवर, और ये टर्नओवर हो गई हमारी एग्जम्प्ट टर्नओवर। ठीक है जी, ITC हमारा 5,000 रुपये है जो कि बिलोंग करता है, ITC ऑन थ्रेड एंड लाइनिंग ये 5,000 रुपये है और 15,000 रुपये है। टोटल हमारा 20,000 रुपये का ITC है जो हमारा कॉमन ITC है, इसको हम डिवाइड कर देंगे एग्जम्प्ट ITC से, तो 5 करोड़ ये हो गया हमारा एग्जम्प्ट आइटम। सिंपल सिंपल इसका हम अपॉर्चुनेट कर देंगे तो हमारा वो वाला पोर्शन आ जाएगा जो हमें ITC नहीं लेना। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, हाउ टू प्रेजेंट आंसर, ये देखो जी क्या करा है इन्होंने, ये 20,000 रुपये का कॉमन ITC है, तो 20,000 रुपये कॉमन ITC को हमने डिवाइड कर दिया एग्जम्प्टेड
और टोटल टर्नओवर से ये 4,000 रुपये का ITC हम पे कर देंगे। ये यहां पे काट के लिख दो, ये आपको रिवर्स करना है इन 3B। ये आउटपुट टैक्स में लाइबिलिटी ऐड होगा, ये 3B के अंदर रिवर्स करना है हमारे को 4,000 रुपये का ITC। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सिंपल है। कह रहा है रॉ मटेरियल रिसीव होना है मंथ ऑफ सितंबर, तो ये हम जुलाई की बात कर रहे हैं, इसका ITC नहीं मिलेगा क्योंकि हमें रिसीव नहीं हुआ। हम रिसीव नहीं हुआ तो ITC नहीं देते। हमने कहा जी क्लब मेंबरशिप लिया आपने एम्प्लॉय के लिए, ITC नहीं देंगे, ब्लॉक्ड है। इनपुट रिसीव हुए 5 लॉट में, जिसमें थर्ड लॉट हमें रिसीव हुआ है, नहीं देंगे क्योंकि लास्ट लॉट रिसीव होने पे हम ITC देते हैं। ट्रक यूज हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ITC दे देंगे, ब्लॉक नहीं है। कैपिटल गुड्स यूज हुआ है जिसके अंदर 3 आइटम ऐसी हैं, 3 आइटम में से 2 आइटम ऐसी हैं जो मिसिंग है, तो जो 2 आइटम है इसको आप निकालेंगे प्रोपोर्शनेट। 2 आइटम का हम ITC नहीं देंगे क्योंकि उसके इनवॉइस मिसिंग है, उसका ITC नहीं देंगे। जिसकी वैल्यू उसने दे दी निकाल के हमारे को कि 80,000 रुपये का ऐसा आइटम है जो मिसिंग है, तो 1.5 लाख में से 80,000 के जो इनवॉइस हैं ये हमारे मिसिंग है, तो हम बैलेंस का ITC देंगे, 70,000 का ITC हम दे देंगे, बाकी ITC हम नहीं देंगे क्योंकि उसके इनवॉइस, जिसके इनवॉइस मिसिंग है उसका ITC हम नहीं देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के लल्लू वाले, सिंपल बिल्कुल लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं इंस्टीट्यूट ने, जो आपको बड़े आसानी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि आपने खरीदा है स्पाइसेस, क्या स्पाइसेस कहीं ब्लॉक रेट में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो इसका ITC मिल जाएगा। पर्सनल यूज वाले का ITC नहीं मिलेगा, सिंपल है जी। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन करी है, मिल जाएगा। व्हीकल यूज करा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉई, अब यहाँ पे इसने ये नहीं बताया है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है वो 14 की है कि नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे 14 की नहीं है, इसका ITC नहीं देंगे क्योंकि लॉ ने क्लियर नहीं किया कि एम्प्लॉई के जो हम ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं वो उसका 14 सीटर है या उससे कम का है। तो हम बताएंगे एग्जामिनर को कि हम वी आर अज्यूमिंग कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रही है, मोटर व्हीकल यूज हो रही है, इसका जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 14 से कम की है, इसलिए इसको ITC ब्लॉक कर रहे हैं। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर नहीं मिलेगा, ये हो गया आपका वर्स कॉन्ट्रैक्ट, और वर्स कॉन्ट्रैक्ट का ITC हम नहीं देते। तो जिसका नहीं मिलेगा उसको हमने मना कर दिया, बाकी सबका मिल जाएगा, इसका लॉजिक दे देंगे, सिंपल सिंपल। तो सिंपल सिंपल आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपके यहां से आए हुए, 17-5 से आए हुए हैं। ब्लॉक कैंडिडेट को अच्छे से करो, इसमें से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, सिंपल है जी, कर लोगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है, ये हम कर रहे हैं मार्च के लिए, तो ये भी नहीं मिलेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है हमारे को। फिर उसके बाद हमने करी है परचेज ऑफ एक्सेसरी जो कि डिलीवर हो गई डायरेक्टली, कहां पे डिलीवर हो गई है, किसी और कंपनी को, तो इसका मिल जाएगा क्योंकि हम मानते हैं डीम रिसीव, अगर हमने किसी हमने कि, हमारे यहाँ पे किसी और ने रिसीव कर ली तो मान लेंगे वो मिल गई है, इसका ITC हमें मिल जाएगा। उसके बाद एक बस खरीदी है हमने जिसकी कैपेसिटी 15 की है, ITC मिल जाएगा क्योंकि हमने क्या कर रहा है एम्प्लॉय के लिए खरीदी है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए खरीदी है, अगर वो 14 सीटर से ज्यादा की है या 14 सीटर की है तो उसका ITC हमें मिल जाएगा, सिंपल है। जनरल इंश्योरेंस लिए हमने कार के लिए और कार यूज हो रही है ऑफिशियल पर्पस के लिए, बट कार यूज हो रही है ब्लॉक क्रेडिट के लिए। अगर ये कार यूज होती, अगर ये कार अनब्लॉक होती तो उसका इंश्योरेंस भी मिल जाता, बट ये कार ही ब्लॉक्ड है और ये मेंशन भी नहीं है ये कार यूज हो रही है एग्जीक्यूटिव के लिए, तो हम अज्यूम करेंगे इसकी कैपेसिटी 14 से कम की है, जब कार ही ब्लॉक है तो उसका इंश्योरेंस भी ब्लॉक होगा, तो ये ITC हमें नहीं मिलेगा। तो मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूं, आप इसको प्रॉपर लिख के करना, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन करूंगा ICU आएगी तब मैं आपको लिख के कराऊंगा, अभी मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो हमने किया है वो अच्छे से किया है, और जो हमने किया है उस तरह के क्वेश्चन वो करने के बाद हमें क्वेश्चन ये बहुत आसान लग रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है, आप कर लेना इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसके अंदर एक बात आ गई नॉन पेमेंट वाली, ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। हमने कहा जी हमने ITC रिसीव किया 11 लाख रुपए का, GST 11 लाख रुपए का हमने एक बिल रिसीव करा,
और उसके बाद हमने जो पेमेंट करनी होती है वो फी होती है 180 दिन में पेमेंट करनी होती है। हमने पेमेंट जो करी वो करी 4,20,000 रुपए की नवंबर में, और बैलेंस पेमेंट जो करी हमने वो करी बाद में। तो 6 महीने निकल गए हमारे, 6 महीने तक हमने सिर्फ इतनी पेमेंट करी है 4,20,000 रुपए। तो 4,20,000 पेमेंट करी है हमने, बाकी पेमेंट हमने नहीं करी। अब इसको हम रिवर्स करेंगे ITC, जो पेमेंट हमने नहीं करी 100 दिन में उसका ITC हम रिवर्स करेंगे, ये हमें सीखना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्या कह रहे हैं जी, आपने एक बिल रेस करा 11 लाख रुपए का, जिसकी पेमेंट आपने 180 दिन में नहीं करी है, ठीक है जी। ये आपने पेमेंट रेस करी अक्टूबर में, और नवंबर को आपने इतनी पेमेंट कर दी है, बाकी पेमेंट आपने नेक्स्ट ईयर में करी है 180 दिन होने के बाद। तो हम रिवर्सल करेंगे जो पेमेंट हमने करी है। इसमें एक ध्यान रखना है बात आपको, कि यहां पे जो 11 लाख रुपए है ये आपका 11 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग ऑफ GST है, ठीक है जी। तो इसमें से जो आप लेस करोगे, जो आप लेस करोगे, जो पेमेंट रिसीव हुई है इसको भी हमें एक्सक्लूडिंग ऑफ GST बनाना पड़ेगा। तो हम 11 लाख ऐसे कर लेते हैं, 11 लाख हमें पे करना था, ये एक्सक्लूडिंग ऑफ GST है। इसमें से 4,20,000 रुपए हमें मिल गया है, ये इंक्लूडिंग ऑफ GST है। तो इसका GST अलग करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 118 से और इंटू कर देंगे 100 से, ये हमारा आ जाएगा नॉन पेमेंट आ जाएगा एक्सक्लूडिंग GST। तो ये कितना आएगा ये कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 माइनस, ये आ जाएगा जी आपका इतना, ये आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 744067। ये आपका आ गया जो आपकी नॉन पेमेंट है, और नॉन पेमेंट पे 18% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 133932। ये 1,33,000 रुपए का GST आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतने रुपए की नॉन पेमेंट करी है। पेमेंट आपकी होनी चाहिए थी 11 लाख की, जो कि एक्सक्लूडिंग GST है। ये जो पेमेंट करी है आपने, ये हम मान लेंगे GST इंक्लूड करके है, तो मैंने इसको GST निकाल दिया एक्सक्लूड करने के बाद। ये माइनस ये मेरा आ गया नॉन पेमेंट, जो मैंने नहीं करी 180 डेज में। तो नॉन पेमेंट पे मैं 18% का GST निकाल दूंगा, 1,33,932 रुपए। मैं आपको आंसर दिखा देता हूं कैसे प्रेजेंट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम ने पूछे हुए, 1,33,932 रुपए हमारा, ये हमारे को GST पे करना है गवर्नमेंट को। तो ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को आप थोड़ा कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट ये आपसे एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपको ये नॉलेज है किस तरह से हम ITC को रिवर्स करते हैं, तो वो आपसे चेक करना चाहता है। तो सिंपल क्वेश्चन है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लेना, सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 12, तो ये सारे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी आप क्वेश्चन और ट्राई करो ITC के, बहुत सिंपल चैप्टर है। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछो टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको आंसर करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, जब पेमेंट वाली वीडियो हो जाएगी उसके बाद हम कवर करेंगे ITC के क्वेश्चन आंसर, ICAI के और RTP के। अभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से, इस चैप्टर को रिवाइज करो पूरा, सेक्शन 17, सेक्शन 16, सेक्शन 18 आप अच्छे से रिवाइज करो और अपने क्वेश्चन ट्राई करो। कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछो। इतना रखते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।